हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूडीफाई दी ऑफिशियल में। आप सभी को सबसे पहले गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक मीठी रेसिपी, नारियल के लड्डू की मिठाई। की इतना स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना सच में बहुत ही आसान होता है। आप इसे मार्केट से भी अच्छा और प्योर घर में भी बना सकते हैं। ये लड्डू हेल्थ पर्पस में काफी अच्छे होते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जानते हैं घर में कैसे बनाए स्वादिष्ट नारियल के लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल का बुरादा, जो कि आसानी से आपको बाजारों में मिल जाएंगे। हमने यहाँ 4 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, जो कि 250 ग्राम है। आप देख सकते हैं कि नारियल का बुरादा बारीक भी है और ताजे भी हैं। नारियल का बुरादा जितना ताजा होगा, आपके लड्डू भी उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 1.5 कटोरी शक्कर, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और 1 कप दूध, लगभग 150 ml। लड्डू बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार है, तो चलिए सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेते हैं। गर्म पैन में हम ले लेते हैं 2 चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी। घी के इस्तेमाल से लड्डू का स्वाद तो बेहतरीन आता ही है, साथ में ये लड्डू लंबे समय तक रह भी जाते हैं। घी गर्म होने पर इसमें हम डाल देंगे 4 कटोरी बुरादा और इसे लो फ्लेम पे ही हल्का भून लेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि गैस की फ्लेम को लो ही रखें। हाई फ्लेम रखने से बुरादा जल जाएगा, जिससे हमारे लड्डू का स्वाद जला जला सा आएगा। इसे 4 से 5 मिनट तक ही भूनना है, जब तक कि घी अच्छे से बुरादा में मिक्स ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध डालते समय ध्यान दीजिएगा कि दूध रूम टेम्परेचर पे हो, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म। दूध के साथ बुरादा को हल्का सा पका लेना है। इसको पकाने में 4 से 5 मिनट लगेगा। अभी भी गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। पूरी रेसिपी में गैस की फ्लेम को लो ही रखें। जब बुरादा दूध के साथ इस प्रकार से पक जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी शक्कर। इन्हें हल्का से चला लेंगे, तब इसमें हम डालेंगे बाकी बची हुई 1/2 कटोरी शक्कर और फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ बुरादा भी मीठा होता है, दूध भी मीठा होता है, साथ में दूध पाउडर भी मीठा होता है, तो मीठा तो इसमें पहले से ही रहता है, इसलिए हमने इसे नॉर्मल मीठा ही रखा है। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अनुसार शक्कर की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। शक्कर अच्छे से पिघल चुका है, आप देख सकते हैं कि ये गीला गीला सा भी होने लगा है। इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है और इसे लगातार चलाते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे दूध पाउडर, जो हमने 1/2 कटोरी ले रखी थी। इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। दूध पाउडर डालने से लड्डू में स्वाद मवा और खोए जैसा आता है। अगर आपके पास दूध पाउडर नहीं है तो आप शक्कर की मात्रा बढ़ा दें, लगभग 1/2 कटोरी और डाल दें। नारियल के लड्डू बनाते समय ध्यान दें कि इसे लगातार चलाते रहना है, इसलिए इसे बनाने से पहले सारी सामग्री को इकट्ठा कर लें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर नीचे लग गया तो ये हल्का ब्राउन हो जाएगा या फिर ये जल भी सकता है, जिससे स्वाद तो खराब होगा ही, साथ में ये दिखने में भी अच्छे नहीं होंगे। अब हमें इन सबको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक चला लेने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इन्हें हल्का ठंडा होने दें, पूरा ठंडा होने नहीं देना है। अभी काफी गर्म है, जिससे ये आसानी से लड्डू नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमने इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया है।
आपका अपना चैनल फूडीफाई दी ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप हमें वहाँ भी फॉलो करें, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये हल्के ठंडे हो चुके हैं और ये लड्डू बनने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ ध्यान दें कि इसे पूरा ठंडा होने नहीं देना है, हल्का गर्म में ही इसे लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने के लिए हमने हाथों में घी लगा लिया है ताकि ये हमारे हाथों में चिपके भी नहीं और लड्डू भी गोल गोल बने। आप अपने अनुसार लड्डू के साइज को छोटा या बड़ा बना सकती हैं, या हमने लड्डू के साइज को मीडियम ही रखा है। इस प्रकार से हम लड्डू को गोल गोल करके बना लेने के बाद इसे सूखे बुरादा में इस प्रकार से लपेट देंगे। ऐसा करने से लड्डू का स्वाद तो बढ़ता ही है और दिखने में ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी प्रकार से हम बाकी सभी लड्डू को भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप फूडीफाई द ऑफिशियल के फेसबुक ग्रुप को आज ही ज्वाइन करें। आप वहां अपनी भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें फूडीफाई द ऑफिशियल के फेसबुक ग्रुप को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लग रहे हैं ना, मार्केट जैसे दिखने में खूबसूरत और स्वाद में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। ये लड्डू हेल्थ पर्पस में भी फायदेमंद होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। जी हाँ, ये नारियल का लड्डू थायराइड को कम करने में सहायक होता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो इसको कम खाएं। तो सर्व करें इस नारियल के लड्डू को अपनी किसी स्पेशल ओकेशन फेस्टिवल में, या फिर आपका जब भी मन करे, लेकिन इसे बनाइएगा जरूर। इसे खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।